में कायदो अने व्यवस्था कथळी होय तेवी स्थिति सर्जाई छे। जिल्लाना सोनगढ़मां आवेला गुरुकुळमां चौकीदार तरीके फरज बजावता रघु चौहाणनी हत्या करी देवामां आवी हती। रघुभाई रात्रिना समये घरे जमवा माटे न आवता तेमना भाई गुरुकुळमां गया हता, ज्यां रघुभाईनो मृतदेह पड्यो हतो। आ अंगे तेमना भाईए पोलीसने जाण करी हती। बीजी तरफ परिवारजनोए आक्षेप कर्यो हतो, आ हत्या कोई जाणभेदुए ज करी छे। परिवारजनोए मृतदेह स्वीकारवानो इनकार कर्यो हतो, त्यारे आ मामले पोलीस काफलो घटनास्थळे पहोंच्यो हतो अने बादमां समझावटथी मामलो थाळे पड्यो हतो। त्यारे चौकीदारनी हत्या कोणे करी ए तो पोलीस तपास बाद ज जाणी शकाशे। गत रातना सोनगढ़ मुकामे जे रीतनो बनाव बन्यो छे, सुखाभाई ए सामान्य परिवारमांथी अने एक चौकीदार तरीके त्यां फरज बजावीने पोतानुं घरनुं गुजरान चलावे छे। रघुभाई आ जे बनाव बन्यो छे एनथी समग्र जिल्लानी अंदर मालधारी समाजमां रबारी समाजमां खूब घेरो आक्रोश छे, दुःखनी लागणी पण छे। अहींया आप जोई रह्या छो कि समाजना आगेवानो जे आ मेसेज मळ्यो छे એટલે સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। સમાજના આગેવાનોની એક જ માંગ છે કે જે રીતે આ બનાવ બન્યો છે એ એમના ભાઈ જે છે ફરિયાદી જે છે એમણે ફરિયાદની અંદર એમના શંકાસ્પદ નામો પણ આપ્યા છે, તો શંકાસ્પદ નામોની અંદર પોલીસ તંત્ર તપાસ કરે। गई काल रातना 8:30 कलाकना समयगाळानी वच्चे मारा काका रघुभाई चौहान नू ज्या घातक हत्या सोनगढ़ खाते गुरुकुल शाळाना गेट पासे जे त्या चौकीदार तरीके नू कार्य करता त्या एमनी घातकी हत्या थयेली छे। तो अमारी खास आ पोलीस तंत्र ने अने सर्व अमे एसपी साहेब ने डीवाईएसपी साहेब ने तेमज सोनगढ़ खाते पीएसआई श्री ने पण खास अमे रिक्वेस्ट करीने के आ घातकी हत्या करनार जे पण लोको छे जे दोषीओ छे एनी आ थोड़ा समय में एटले आजनी तारीखनी अंदर एमनी धरपकड़ थाय ए मारा परिवारजनों सर्व समाज सर्व आगेवानो वती अमारी खास नम्र विनंती छे। एक संस्थानी चौकीदार तरीके नौकरी करता रघुभाई अर्जनभाई चौहान के जे आश्रे 45 वर्षनी आजूबाजूनी उम्रना हता एमनो मृत्यु थयेल छे। बात ए रीतनी छे के एमना जे भाई छे ए एमने मरण जनार ने फोन लगावता हता, फोन न रिसीव थवाथी एमनी जे चौकीदारीनी जग्या छे ए जग्याए कोई तपास करवा गया। तपास करता खबर पड़ी कि एमना भाईनू कोईए तीक्ष्ण हथियार मारी अने मृत्यु निपजावेल छे। त्यारबाद एमने पोलीसनो संपर्क कर्यो, तात्कालिक थाना इन्चार्ज एलसीबी एसओजीनी टीम घटनास्थळे पहोंची डेड बॉडी અને એની આજુબાજુની જે પરિસ્થિતિ છે એનું વિગતવાર પંચનામું કરી એફએસએલના અધિકારી અને ડોગ સ્કોડની મદદ લઈ સમગ્ર કેસમાં હત્યારો ઝડપીમાં ઝડપી પકડી પડાય એ દિશામાં તમામ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહેલા છે।